गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे लिखा है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। उसके बाद लेआउट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर फोर्थ पे है कि हम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और फिफ्थ पे हैं कंप्यूटर पे हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर की क्या क्या खामियाँ हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। उसके बाद है मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो हम व्हाट इज़ कंप्यूटर से शुरू होते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर में देखो, सबसे पहले तो कंप्यूटर की एक इमेज बनी हुई है, कंप्यूटर कुछ कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद है कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स वो बिजली से चलने वाला उपकरण है। आगे काम क्या करता है वो, विच एक्सेप्ट इनपुट एज अ सिग्नल फ्रॉम द यूज़र। वो हमसे एक इनपुट लेगा, जैसे हम कंप्यूटर का कोई भी बटन दबाएंगे तो वो इनपुट का काम करेगा कंप्यूटर के लिए। उसके बाद क्या होगा कि वो हमें आउटपुट देगा इनपुट लेने के बाद, ठीक है, एंड गिव बैक द आउटपुट एज अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाला उपकरण है जो हमसे इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन होगी। उसके बाद क्या है, लेआउट ऑफ कंप्यूटर। लेआउट कंप्यूटर में देखो क्या बना, सबसे पहले इनपुट यूनिट है जहाँ से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट में क्या क्या होता है, कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया। हम कीबोर्ड का कोई बटन दबाएंगे, उसके बाद सिग्नल कहाँ पे जाएगा, सीपीयू पे। सीपीयू पे जाने के बाद सिग्नल वो उस पर कुछ काम करेगा, उसके बाद वो आउटपुट दे देगा। तो मतलब ये कंप्यूटर की बेसिक लेआउट है, आप इसकी डायग्राम ये बना लेना, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और सीपीयू क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक डायग्राम कंप्यूटर की ही होती है, उसमें कुछ एक इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट मतलब इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे। इनपुट देने के लिए हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, और स्कैनर है, ठीक है, माइक्रोफोन है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। और आगे है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। सबसे पहले जो भी सिग्नल हम इनपुट से देंगे वो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद वो हमें एक आउटपुट देगा। आउटपुट हमें कहाँ शो होगी, मॉनिटर पे या प्रिंटर पे, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस पे, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट ऑफ कंप्यूटर पे चलते हैं। देखो पार्ट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले है मॉनिटर। देखो ये जो टीवी जैसी स्क्रीन होती है इसको हम मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड में है कीबोर्ड। कीबोर्ड पे देखो कीज होती हैं, ठीक है। ये सभी आपने जिस बच्चे ने पहले क्लास लगाई है उसने ये सब पढ़ा भी है और देख भी चुका है, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड में हमारे पास कीज होती हैं। इस एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे पास 104 कीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट है एक माउस। माउस माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देखो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक पॉइंट आता है उसको हम स्क्रीन पे इधर एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं, वो हम माउस की हेल्प से करते हैं। ये भी हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद सीपीयू है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, जैसे हमारा इंसानों का एक ब्रेन होता है वैसे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मतलब कंप्यूटर के सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पीकर। स्पीकर्स के बारे में सभी जानते ही हैं, हम घरों में भी यूज़ करते हैं ये, हम म्यूज़िक सुनने के लिए या कोई लेक्चर वगैरह सुनने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में भी हम सभी जानते हैं। प्रिंटर क्या है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम अपने अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अपना रोल नंबर प्रिंट करवाने के लिए जाते हैं तो हम उसको एक सॉफ्ट कॉपी देते हैं। हम साइट पे जाते हैं, वहाँ पे एक पीडीएफ फाइल होती है, उसको डाउनलोड करते हैं, फिर प्रिंट की कमांड देके उसको प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रिंटर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद एक स्कैनर होता है। स्कैनर क्या करता है, वो इमेज को या टेक्स्ट को स्कैन करता है। देखो उसके नीचे एक प्लेट बनी हुई है, नीचे एक ग्लास बना हुआ है। अगर हम इसके ऊपर अपना पेज रखेंगे और ऊपर से बंद करेंगे तो और बटन दबाएंगे तो ये इसको स्कैन कर लेगा। स्कैनर एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। एक फिर नेक्स्ट पार्ट है जॉयस्टिक।
या फिर गेमिंग रिमोट होता है जिसको हम गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, ये मोस्टली गेम्स खेलने के लिए ही यूज़ होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर का पार्ट है माइक्रोफोन कम्युनिकेशन या फिर बातचीत करने के लिए यूज़ होता है। जैसे माइक होता है हमारे फ़ोन में कॉलिंग पे बात करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर में माइक्रोफोन होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा मूवीज़ में या टीवी शोज़ में कि सामने मुंह की तरफ लगा होता है जिसमें हम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वाई वी यूज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर हम क्यों यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, इट कैन डू द वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर बड़ी तेज़ी से काम कर सकता है, इंसान से ज़्यादा, इंसान से भी तेज़। ठीक है, और कंप्यूटर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वेरी इजी टू डू वर्क ऑन कंप्यूटर। इसका मतलब है कि कंप्यूटर पे काम करना बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अगर इसमें इंफॉर्मेशन सही तरीके से स्टोर है, अगर हम उसको सर्च करें तो वो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बैक देता है। ठीक है, व्हाट वी कैन डू ऑन अ कंप्यूटर नेक्स्ट में है कि हम एक कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आया कि हम कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं, प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, सोल्व मैथ प्रॉब्लम्स, मतलब कंप्यूटर पे हम मैथ्स मतलब कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कंप्यूटर जब आविष्कार हुआ तो उसका मेन फंक्शन, मतलब उसका मेन यूज़ उस टाइम सिर्फ कैलकुलेशन करना ही था। आजकल हम कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, उसके बाद क्या, गाने सुन सकते हैं, कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आप सबको ईमेल सेंड करना सिखाया, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग मैं आगे आपको सिखाऊंगा, स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये तीनों मैं आगे आपको सिखाऊंगा, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब हम कोई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, सबके एप्लीकेशन, जैसे हमारे मोबाइल फोन में गेम की एप्लीकेशन है, गैलरी की एप्लीकेशन है, फोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है, वो सब। अब नेक्स्ट में है, वेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर नाउडेज। आजकल हम कंप्यूटर कहाँ यूज़ कर रहे हैं। देखो, आप सबने कंप्यूटर बैंक्स में देखे होंगे, आप बैंक में जाते हो, आपका सारा डाटा कंप्यूटर पे पहले से ही है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, कितना बैलेंस आपके अकाउंट में है ना, आपने बैंक में कंप्यूटर देखा होगा। उसके बाद हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर और कोई वर्क करने के लिए कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं कंप्यूटर, जैसे वीडियो कॉलिंग वगैरह, या वेबकैम पे हम चैटिंग वगैरह करते हैं, या फिर फेसबुक वगैरह हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर पे यूज़ करते थे, अब हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं, फ़ोन भी हमारा एक तरह का कंप्यूटर ही है। ठीक है, उसके बाद डिफेंस एंड मिलिट्री में यूज़ होता है। ठीक है, मिलिट्री हमारी मिसाइल वगैरह को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करती है। उसके बाद एजुकेशन्स में देखो, हम एजुकेशन में जैसे हमारी लैब्स में कंप्यूटर हैं, बच्चों को सिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं। ठीक है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। उसके बाद मेडिकल में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेडिकल में कैसे यूज़ हो रहा है कि आजकल रोबोट्स वगैरह को जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, कहीं कम ऑपरेशंस में डॉक्टर की बजाय हम अब रोबोट्स को यूज़ करने लग गए हैं। रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जैसे आपने चंडीगढ़ की बसों में अगर ट्रैवल किया होगा तो उसमें भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। जैसे आप किसी स्टेशन में पहुँचोगे, नेविगेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है तो वो आपको बता देगा कि सेक्टर 17 आ गया है, या सेक्टर 22 आ गया है, या फिर हम मटका चौक पहुंच गए हैं, या दूसरे चौक पे पहुंच गए हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर की क्या क्या खामियां हैं। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटेलिजेंस।
लैक ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब कि कंप्यूटर अपने आप नहीं सोच सकता, हमें उसमें पहले से ही डाटा फीड या डाटा और इंस्ट्रक्शंस पहले से ही फीड की होती है कि ये कैसे काम करेगा। उसके बाद है प्रोन टू वायरस, वायरस मतलब कि कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा अगर इसमें वायरस आ गया। जैसे इंसान बीमार हो जाता है तो हम अपनी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते ना बीमार होने के बाद, वैसे ही कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। और थर्ड पॉइंट है डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं चल सकता। ठीक है, एट्थ पॉइंट पे है मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिर्फ ये मेन चार फंक्शन ही करता है। सबसे पहले क्या है कि वो डाटा कलेक्ट करता है, जैसे हमने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमने कोई भी बटन दबाया या हमने उसमें कोई भी प्रोग्राम सेव किया तो वो उसको कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या करता है, डाटा स्टोरेज, कंप्यूटर डाटा को स्टोर भी करता है। दूसरा फंक्शन कंप्यूटर का क्या है कि वो डाटा को स्टोर करता है, जैसे हमने कोई फाइल सेव कर ली तो उसको स्टोर कर देगा, ठीक है, अपनी हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में। थर्ड में है वो डाटा प्रोसेसिंग करता है, जैसे हमने कंप्यूटर में कोई चीज़ सर्च करी या फिर हमने कोई बटन वगैरह दबाया, वो उसको उसकी प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, हम उसको कुछ इनपुट देंगे तो वो उसको प्रोसेसिंग करेगा। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या करता है, हमसे कुछ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम जो इनपुट देंगे वो उसको प्रोसेसिंग करेगा, तो कंप्यूटर क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग भी करता है। उसके बाद क्या है, डाटा आउटपुट, जो जो आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब हमसे इनपुट लेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा सीपीयू, उसके बाद वो हमें कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर चौथा काम क्या करता है, वो डाटा आउटपुट भी देता है। ठीक है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ लिखा हुआ या कोई आवाज़ है ना, या फिर कोई चित्र, ठीक है, इमेज। नाइन्थ पे आते हैं हम, नाइन्थ में क्या है, व्हाट इज़ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। ठीक है, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट विच वी कैन टच। हार्डवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर में हम उन पार्ट्स को बोलते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको पार्ट पढ़ाए, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये देखो एग्जांपल में भी लिखा हुआ है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ठीक है, जिन पार्ट्स को कंप्यूटर के हम टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर में फिजिकली टच, उन पार्ट्स को हम हार्डवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट में हम सॉफ्टवेयर चलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन द है अदर हैंड इज नॉट समथिंग यू कैन टच, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, गैलरी का सॉफ्टवेयर है, म्यूजिक प्लेयर का सॉफ्टवेयर है, या फिर ब्राउज़र है, वो सभी सॉफ्टवेयर ही हैं। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए ही यूज़ होते हैं। जैसे गैलरी में हम गाना नहीं चला सकते, उसमें सिर्फ हम इमेजेस ही खोल सकते हैं। ठीक है, और म्यूजिक प्लेयर में हम इमेजेस नहीं खोल सकते, उसमें सिर्फ हम गाने ही सुन सकते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर ही हैं। ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, पेंट, कैलकुलेटर, ये सभी एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूज़र क्या होता है, यूज़र वो पर्सन है जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, उसमें इनपुट फीड करता है। ठीक है, और बिन और देखो डेफिनेशन में पढ़ते हैं, आ यूज़र इज़ अ पर्सन, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आइदर यू और मी, है ना, वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, जो भी इंसान कंप्यूटर पे काम करेगा उसे हम यूज़र कहेंगे। और विदाउट यूज़र बेस्ट हार्डवेयर कंबाइंड विद बेस्ट सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव एनी यूज़, मतलब बिना यूज़र के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर को तो यूज़ हम ही करते हैं। ठीक है, हमारे बिना माउस चल नहीं सकता, ना कंप्यूटर ऑन हो सकता है, तो यूज़र एक इंसान ही होता है, या तो मैं हो सकता हूँ या फिर आप। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। आप सभी या तो इस लेक्चर के स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जिस जिस बच्चे ने शुरू की क्लासेस नहीं लगाई। ठीक है, बाय।